हेलो फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे दोस्तों आप सभी, उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड आज का जो हमारा वीडियो है थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, बिकॉज आज मैं आप लोगों के लिए एक ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और ये है, आज हम जाएंगे नागदेव मंदिर। और ये मंदिर हमारा है, ये बुआखाल वाली रोड जो जाती है, ये मंदिर बुआखाल वाली रोड से ऊपर को पड़ता है। पौड़ी बस स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर कंडोलिया बुआखाल मार्ग पर स्थित है घने जंगल के मध्य यह नागदेव मंदिर। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण घने बांज बुरांस तथा गगनचुंबी देवदार चीड़ के वृक्षों के बीच से छनकर आती सूर्य की किरणें मंद मंद बहती सुगंधित बयार भक्तजनों के हृदय को शीतलता प्रदान करती है। मंदिर के समीप प्राकृतिक स्रोत का शीतल जल पर्यटकों के लिए संजीवनी समान प्रतीत होता है। नगर में स्थित यह नाग देवता का मंदिर उत्तराखंड में गढ़वाल में नागवंशियों के प्रवास को सिद्ध करता है। नाग देवता के इस सुंदर मंदिर की स्थापना के बारे में लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं, लेकिन धार्मिक आस्था और विश्वास के फलस्वरूप जो कहानी उभर कर आती है वह इस प्रकार है। नाग देवता मूल रूप से डोभाल वंश का देवता माना जाता है। पौड़ी शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर पौड़ी श्रीनगर राजमार्ग पर नागलश्यू पट्टी में स्थित है डोब गांव, जिसमें डोभाल जाति के लोग रहते हैं। कहा जाता है कि लगभग 200 वर्ष पूर्व डोब गांव के डोभाल वंश में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका ऊपरी हिस्सा मनुष्य रूप एवं कमर से नीचे का हिस्सा सर्प रूप में था, जिसे नाग रूप कहा जाता है। यह बालक जन्म से ही प्रत्यक्ष भाषित था। अपने जन्म के बाद बालक ने अपने पिता से कहा कि मुझे लैंसडाउन क्षेत्र में भैरवगढ़ी के मंदिर के पास एक स्थान पर कंडे में ले जाकर स्थापित कर दो। साथ ही यह भी कहा कि मुझे यहाँ से ले जाते समय मार्ग में किसी भी स्थान पर कंडे को नीचे न रखा जाए, मुझे वहीं उतारना जहाँ स्थापना होनी है। कहा जाता है कि डोभाल वंश गर्ग गोत्र के लोग बालक को कंडी में लेकर गंतव्य की ओर डोब गांव प्रेमनगर चोपड़ा झंडीधार होते हुए निकल पड़े। झंडीधार से थोड़ा नीचे उन्होंने भूलवश कंडी को जमीन पर रख दिया, जिसके बाद उन अर्धनागेश्वर बालक ने सभी लोगों से कंडी को छूने व उठाने से इनकार कर दिया। उस देव बालक ने उन लोगों से कुछ दूरी पर खोदने का आदेश दिया। देव बालक के बताए स्थान पर खुदाई करने पर वहां एक शीतल जलधारा निकली। बालक के आदेशानुसार उन्होंने उस जल से स्नान करके उस बालक को पूजा अर्चना करके वहीं स्थापित कर दिया। तभी से यह स्थान नागदेव कहलाने लगा। खुदाई से उपजा वह प्राकृतिक जल स्रोत आज भी मंदिर के समीप ही स्थित है तथा नागदेवता एक प्रस्तर शिला के रूप में दृष्टिगोचर हैं। कहा जाता है कि आज भी कोमल हृदय एवं अटूट श्रद्धा से जाने वाले भक्तों को नागदेवता दर्शन देते हैं। मान्यता है कि मंदिर में स्थापित प्रस्तर शिला के समीप ही एक छिद्र में नागदेवता निवास करते हैं, जहाँ पुजारीगण नित्य प्रति एक कटोरी में दूध रख देते हैं और यह कटोरी कुछ समय बाद खाली मिलती है। पुजारी एवं भक्त गणों के अनुसार अक्सर इस स्थान पर नाग देवता की उपस्थिति का एहसास होता है। मुख्यतया चीड़ के वृक्ष आकार में सीधे होते हैं, परंतु जिस चीड़ के वृक्ष के नीचे प्रस्तर शिला स्थापित है उसने ऊपर जाकर फन फैलाए हुए नाग का आकार लिया हुआ है। जून माह में इस स्थान पर 2 दिवसीय भजन कीर्तन एवं भंडारे का आयोजन होता है। ये नागदेव का मंदिर है, यहाँ पर आप देख सकते हो नाग के कितनी मूर्तियां हैं। नागदेव मंदिर के अंदर आती है और हमेशा यहाँ पर दूध की कटोरी रखी जाती है, जो कहते हैं अगले
अगले दिन खाली मिलती है। फिर मंदिर के जस्ट लेफ्ट साइड यानी येलो जो मंदिर था छोटा उसके लेफ्ट साइड में पेड़ के नीचे यहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है, नंदी जी भी हैं, यहाँ पर शिव जी की पूजा होती है। मैंने आप लोगों के लिए भी लिया है, मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे ये पेड़, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं। तो या फ्रेंड फिर यहाँ पर ही हम अपना ब्लॉग स्टॉप करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।